हाँ, तो मेरा नाम है गुलाम दस्तगीर। मैंने किया एनएडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग 1990 में। उसके बाद में केडीए चला गया था, फिर वहाँ से मैं चला गया था एमएस करने मिशिगन यूनिवर्सिटी डिट्रॉय में, अमेरिका में। आजकल मैं होता हूँ बहरिया टाउन कराची में। तो अगर आपको कोई विला ख़रीदना है, विला बेचना है, विला बनवाना है, कोई प्लाट ख़रीदना है, प्लाट बेचना है, कोई दुकान लेनी है, दुकान ख़रीदनी है, दुकान बेचनी है, कोई फ्लैट ख़रीदना है, फ्लैट बेचना है, कोई ऑफिस ख़रीदना है, ऑफिस बेचना है, कोई ऑफिस बुक कराना है, तो उस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं केडीए में रह चुका हूँ। तो अगर आपका कोई काम केडीए में है तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आपका कोई काम है, आपका कोई प्लाट है, आपको नक्शा बनवाना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा अप्रूव कराना है, घर बनवाना है, घर सुपरवाइज करवाना है, तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपको कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, कोई कंपनी का लाइसेंस अपग्रेड कराना है, कोई कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, तो उस सिलसिले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आज की इंफॉर्मेशन वीडियो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ का निज़ाम। तो सबसे पहले आ जाते हैं पुलिस पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो पुलिस है उनके नंबर जो हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो 6 से 8 लाख है, इंडिया की पुलिस जो है 21 लाख है, बांग्लादेश की पुलिस 8 लाख है। तो इंडिया का जो रेशियो है पुलिस का वो है 1 लाख पे 150 पुलिस ऑफिसर, और पाकिस्तान का रेशियो है 1 लाख पे 200 पुलिस ऑफिसर। पाकिस्तान की आबादी है 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़, और इंडिया की आबादी है 1.5 बिलियन। अब पाकिस्तान की पुलिस और इंडिया की पुलिस और बांग्लादेश की पुलिस क्या काम करती है, ये अमेरिकन रिसर्च है, अब इस पर गौर कीजिएगा। ये अमेरिकन रिसर्च है कि पाकिस्तान की पुलिस, इंडिया की पुलिस, बांग्लादेश की पुलिस चोरों को पकड़ती है, उनसे रिश्वत लेती है और उनको छोड़ देती है। तो पाकिस्तान के ये जो 23 करोड़ लोग हैं ये चोरियां करते हैं, और पाकिस्तान की जो 10 लाख की पुलिस है वो इनको पकड़ती है और इनसे रिश्वत लेती है और इनको छोड़ देती है। तो अल्लाह ने जो है कहा है कि जो चेक चोरी करे कार काट दो, और जो रिश्वत ले और रिश्वत दे तो वो दोनों मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे। तो इस हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सीधा जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि ये 25-23 करोड़ लोग जो हैं चोरी से बाज नहीं आते, और जो इनकी 10 लाख की पुलिस है वो इनको पकड़ती है तो इनसे रिश्वत लेके इनको छोड़ती है, तो वो रिश्वत लेने से बाज नहीं आते। इसके अलावा पाकिस्तान के बैंक के अंदर अगर आप जाएँ मरकज़ कौम बचत में तो आपको 40 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं जो अपना घर सूद से चलाते हैं, यानी कि बैंक जो है उनको हर महीने 1200 मुनाफा देता है जिससे वो अपना घर चलाते हैं। तो तीसरी चीज़ आ गई सूद। तो सूद खाते हैं, अब वो उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं भैया इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा आमदनी का ज़रिया तो है नहीं, तो अब यही काम करते हैं। जो 60 साल के हो जाते हैं जब रिटायर, तो वो जो पैसे पेंशन आती है उससे गुजारा करते हैं, और जो उनकी सेविंग होती है वो रखते हैं, 1 लाख पे 1200 रुपये बैंक दे देता है, वो खाते हैं और उससे अपने बिल देते हैं। तो ये तकरीबन 40 लाख के करीब जो हैं ये लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ये 40 लाख नहीं है, ये कमर्शियल बैंक्स में भी रखते हैं अपने पैसे। तो ये 2-4-5 करोड़ लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो इनको सूद में से भी मना किया गया है, सूद भी खाते हैं।
अब आ जाते हैं भीख मांगने पे, बेगरी पे, तो 10 से 15 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान में भीख भी मांगते हैं। उनका प्रोफेशन ही यही है कि पहले उनके वो पहले वो मांगते थे, वो मर गए, उनके बच्चे मांगते हैं, उनके बच्चे मर जाएंगे तो उनके बच्चे जो होंगे वो मांगेंगे, तो ये नस्ल दर नस्ल ये भिखारी रहेंगे। अब जैसे पाकिस्तान में देखो पॉलिटिक्स में, पहले भुट्टो था, फिर बेनजीर भुट्टो आई, फिर बिलावल भुट्टो आ गया, तो ये एक नस्ल दर नस्ल चलती है सियासत भी, और भिखारी जो भी मांगते हैं उनका भी प्रोफेशन चलता है। बाज जगह पर फौज में भी चलता है, एक आपका बच्चा फौज मिल गया तो वो जब रिटायर होगा तो उसके बच्चे फौज में जाएंगे, तो ये इनहेरिटेंस का सिस्टम है कि जो उसका बच्चा फौज में गया, जिसका बच्चा पुलिस में गया, तो वो भी रिटायर होगा तो अपने बच्चे को पुलिस में करा लेगा, और जिसका बच्चा जो भिखारी है तो वो जब उसका बच्चा बड़ा होगा तो उसको भिखारी बना लेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशन नहीं है, यानी कि जिस जो बाप का प्रोफेशन है वही बेटा भी अडॉप्ट करता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे भीख मांगने वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो वो पढ़ के कोई अच्छी जॉब हासिल कर देता है। तो ये है, तो ये अमेरिकन रिसर्च है कि पाकिस्तान की पुलिस, इंडिया की पुलिस और बांग्लादेश की पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ती है, उनसे रिश्वत लेती है और इन चोरों को छोड़ देती है। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के बैंकों के बारे में भी बताया गया है कि ये भी नाकारा बैंक है सारे पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, क्योंकि ये तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस इनकी ये हैं कि अगर आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो ये आपसे पूछते हैं कि आपके पास जॉब है कि नहीं है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। तो वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर इसके पास जॉब नहीं है तो आप पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसका अकाउंट खोलने के बाद। दूसरी बात ये कि अगर कोई बड़ी रकम आपको मिल जाए तो आप बैंक में जमा नहीं करा सकते, क्योंकि ये फिर पूछते हैं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। तीसरी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि कल कलां को आप मर गए तो ये आप बैंक आपके पैसे खा जाएंगे और आपके जो वर्षा हैं उनको एक रुपया नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह मैं बता चुका हूँ कि 18,000 करोड़ जो थे इंडिया के बैंक जो थे वो खा गए पब्लिक के, क्योंकि वो जो वर्षा थे उनको ही नहीं पता था कि इन कुछ लोगों ने तो अपने वर्षा का नाम ही नहीं डाला हुआ था, तो वो तो सीधा साधा खा गए, और जिन्होंने डाला हुआ था उनके वर्षा गए नहीं बैंक में पैसे लेने, तो बैंक फिर भी खा गया। अब बैंकिंग लॉस का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप मर गए और आपके पैसे बैंक में हैं तो 10 साल तक तो बैंक ये पैसे अपने पास रखेगा, उसके बाद वो स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र देते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो वो फिर जब ट्रांसफ़र देते हैं तो ये पैसा बैंक का हो जाता है। फिर पहले 10 साल जो है प्राइवेट बैंक जिसमें अपने अकाउंट खोला था वो मज़े करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट का बैंक उस पैसे से मज़े करेगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि पैसों के मामले में अमेरिकन रिसर्च है कि पैसों के मामले में आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, बैंक पे, ना अपने बाप पे, ना अपनी माँ पे, ना अपनी बहन पे, ना अपने भाई पे, ना अपनी बीवी पे, ना अपने बच्चों पे, ना अपने दोस्तों पे, ना अपने रिश्तेदारों पे। द ओनली प्लेस यू कैन ट्रस्ट इज योर बैंक। आप बैंक में पैसे रख दें, आप जब भी जाएंगे बैंक से पैसे लेने तो वो आपको 2 मिनट में आपके पैसे दे देगा, लेकिन आप किसी को दे दें तो आप सारी ज़िंदगी उसके पीछे घूमते रहेंगे, वो आप पैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो इसलिए ये भी है कि इस चीज़ को भी सीखें कि ये भी अमेरिकन रिसर्च है कि पैसा हमेशा बैंक में।
अब अगला सवाल आ जाता है कि पाकिस्तानी बैंक जो है वो अकाउंट नहीं खोलते अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, तो ये भी मसला आ गया ना कि यहाँ तो जॉब ही नहीं है लोगों के पास, तो अब जॉब नहीं है तो बैंक में अकाउंट कैसे खुलेगा, और बैंक में अकाउंट खुल भी गया तो फिर आपके पास कर्जा ने कहा चार कभी पैसे दिया आपको तो आप पैसे जमा कराएंगे तो ये बैंक आपसे पूछेगा पैसे कहाँ से आए, तो एक और मुसीबत खड़ी होगी। और तीसरी चीज़ ये कि कल गला को आप मर मराए गए तो ये बैंक आपके पैसे खा जाएगा, तो आपके जो वर्षा हैं उनको ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये इनका तीसरा मसला है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि तीन तरीके के बैंक हैं, एक गवर्नमेंट का बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है और एक फॉरेन बैंक है। तो फॉरेन बैंक में अकाउंट खोलें तो वहाँ पर ना आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास जॉब है कि नहीं है, ना आपसे ये पूछते हैं कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, और आपके मरने के बाद आपके जो वर्षा हैं उनको ये पैसा दे देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि आप स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में अकाउंट खोलें, तो अगर आप जाएंगे स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में अकाउंट खोलने तो बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास जॉब है कि नहीं है, आपका अकाउंट खोल देगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए शनाख्ती कार्ड और अकाउंट खोलने के लिए जो भी पैसे दरकार है चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 1 करोड़ या 100 करोड़ भी आप जमा करा दें तो वो आपसे ले लेगा डिपॉज़िट और जमा कर लेगा और आपसे ये नहीं पूछेगा कि पैसे आपके पास कहाँ से आए। और तीसरी चीज़, कल कलां को आप मर गए तो बैंक जब आप अकाउंट खोलते हैं तो पूछता है कि अगर आप कल कलां को मर गए तो ये पैसे किसको मिलेंगे, तो जिसका आप नाम डालेंगे बैंक के पैसे उसको दे देंगे। तो ये तीसरा मसला इसका। तो अब पाकिस्तान में जो है नेशनल सेविंग ये गवर्नमेंट का बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है। इसके अलावा हमारे पास है हबीब बैंक प्लाजा, हबीब बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है और MCB प्राइवेट बैंक है, UBL प्राइवेट बैंक है, ABL प्राइवेट बैंक है। इस तरीके से हमारे पास ये प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन बैंक्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बारकले बैंक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो कोशिश करें कि अपना अकाउंट खोलें स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में, तो फिर उसमें आपको तीनों चीज़ों की हिफाजत है, ना बैंक आपसे ये पूछेगा कि पैसे कहाँ से आए, ना ही आपका से ये पूछेगा कि आपके पास जॉब नहीं है तो आपका अकाउंट नहीं खोल सकता, वो आप जाएंगे तो आपका अकाउंट खोल देगा और आप जितने भी पैसे जमा कराएंगे वो आपके जमा कर देगा, और जब आप मरेंगे तो वो जो भी जिसका भी नाम डालेंगे बैंक में अकाउंट खोलते हुए तो उसको ये पैसे ये बैंक दे देगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, तो कोशिश करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट खोलें और पुलिस से बचें। और पुलिस से बचने का तरीका यही है कि आप चोरी से बचें, जब आप चोरी नहीं करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं, जब आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी तो आप उसको पुलिस को रिश्वत दे के छूटने का भी कोई आपका चक्कर नहीं होगा। तो ये चक्कर है कि अगर आप चोरी करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, आपसे रिश्वत लेगी, आपको छोड़ देगी। तो ये पुलिस का निज़ाम है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का। और इंडिया में 1 लाख लोगों पे 150 पुलिस ऑफिसर लगे, पुलिस की फोर्स लगी है 150 पुलिस वाले इंडिया के 101 लाख लोगों को सर्विस देते हैं। और यही हाल पाकिस्तान में भी एक सौ पचास पुलिस वाले जो हैं वो 200 पुलिस वाले आप पाकिस्तान के 1 लाख लोगों को सर्विस देते हैं। अब इसके अलावा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आप जो है जैसे हमारी कामवाली थी उसके बेटे ने कत्ल किया क्यों, उसकी बहन भाग गई किसी के साथ तो उसके जाकर कत्ल कर दिया, तो उसके अंदर पहले तो पुलिस वाले रिश्वत खा गए, उस कामवाली का घर बिक गया, भैंसें बिक गईं और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ये केस चला गया कोर्ट में, फिर वकील जो थे 25-30 लाख रुपये खा गए, कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने सज़ा सुना दी
7 साल की जेल, 5 लाख रुपये जुर्माना, और जुर्माना अगर नहीं भरोगे तो आपको 1 साल और जेल में काटना पड़ जाएगा। तो 7 दीजिएगा 8 साल आपको खींचने काटने पड़ेंगे। तो अब इस काम वाली ने पहले अपना घर बेचा, पैसे बेचे, पुलिस को दिया कि शायद बच्चा छूट जाए, नहीं छूटा। तो उसके बाद वो कोर्ट में गई, वकीलों को दिए 30 लाख रुपये, वकील भी छुड़ा नहीं सके, और फाइनली उसको कोर्ट ने 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। तो 5 लाख रुपए देगा, 5 लाख रुपए दिए बुढ़िया ने, और अब 7 लाख 7 साल के बाद वो वापस घर आएगा। तो इस दुख में बुढ़िया जो थी दुनिया से चली गई। तो ये है पाकिस्तान का निजाम। अब आप देख लेंगे, भुट्टो ने रज़ा अहमद कसूरी के बाप का कत्ल कराया था तो उसमें उसको फांसी हुई थी। जरदारी ने मुर्तजा भुट्टो का कत्ल कराया था तो उस सिलसिले में उसको 14 साल की जेल हुई थी, और जेल इसलिए हुई थी कि फांसी की सज़ा उस वक्त थी नहीं। तो इसलिए ये है कि बास क्राइम ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस आपसे रिश्वत लेके आपको नहीं छोड़ सकती। तो बास क्राइम ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस आपसे रिश्वत लेके आपको छोड़ देती है, लेकिन बास क्राइम ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस आपसे रिश्वत लेके आपको नहीं छोड़ती है। बास दफ़ा ऐसा होता है 15-20 गाड़ियाँ आपने चोरी करी हैं तो वो मीडिया पर आ जाता है, तो फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ सकती है। लेकिन एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, एक मोबाइल है, तो उसमें पुलिस आपसे रिश्वत लेके आपको छोड़ देती है। तो यह है पाकिस्तान की पुलिस का निज़ाम, जिस पर अमेरिकन ने रिसर्च की है और बताया कि अमेरिका जो है कैसे रिसर्च करता है इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की पुलिस पे और बैंकिंग सिस्टम पे। तो अमेरिका में कोई भी पुलिस वाला रिश्वत नहीं मांगता है, और अगर किसी अब पुलिस वाले ने रिश्वत नहीं मांगी, अब किसी ने पुलिस वाले को रिश्वत दी तो फिर वो बैकअप कॉल करेगा और ये बंदा जो है पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के इल्ज़ाम में जेल जाएगा। फिर वहाँ पे ये जो पैसे इसने दिए थे ये कोर्ट में जमा होंगे और उसके अगेंस्ट फिर उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो वहाँ का उल्टा ही निज़ाम है कि अगर आपने रिश्वत दी तो आपको ही जेल जाना पड़ जाएगा, और यहाँ का निज़ाम ये कि अगर आपने जो रिश्वत नहीं दी तो आपकी शामत है। तो यहाँ का इसीलिए अमेरिकन रिसर्च हमेशा करते हैं कि रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में क्या निज़ाम चलता है। तो पाकिस्तानी बैंकों का भी बड़ा गलत है और पाकिस्तान की पुलिस का भी बड़ा गलत है। तो मेरा मशवरा यही है कि पाकिस्तान की पुलिस से भी बचें और पाकिस्तान के बैंकों से भी बचें। और मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तानियों को तो समझ ही नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने ये अब स्टैंडर्ड चार्टर बैंक सारी दुनिया का पैसा सारी दुनिया में घुमाता है और इनकी ब्रांचेज सारी ऑलमोस्ट हर कंट्री में होती हैं। नॉर्मली इनका जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें ये होता है कि किसी भी मुल्क में जाते हैं तो एक ब्रांच खोल देते हैं और फिर उस ब्रांच से सारा ये अपना पैसा उस कंट्री का घुमाते हैं। पाकिस्तान का पैसा जो है सारा का सारा जो पॉलिटिशियन का है, करप्शन का है, वो सारा का सारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुनिया में ट्रांसफ़र देता है। अब आप देख लें, आपके चीफ जस्टिस था, उसने करप्शन करी और फिर उसको पता था वो पकड़ा जाएगा अगर उसने पैसे इधर उधर दिए, तो उसने अपने बेगों को पैसे दिए और उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के थ्रू UK में ये पैसे भेजे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी। तो ये है तरीक़ाकार, जो इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से करें तो फिर बच के निकलेंगे। यही जरदारी का भी है, इसका भी पैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जाता है। यही नवाज शरीफ का पैसा भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जाता रहा, और ये तमाम पॉलिटिशियन जो हैं ये अपना सारा पैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर और सारे पॉलिटिशियन अपना पैसा वहाँ पे घुमा रहे हैं तो फिर आपको भी चाहिए कि वहाँ पे जाके काम करें, और
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये उसकी वजह ही है। मैं कह रहा हूँ कि आप जाएंगे पाकिस्तानी बैंक में तो आपसे पूछेंगे आपके पास जॉब है कि नहीं है, तो आप कह देंगे नहीं है तो फिर आपको अकाउंट नहीं खुलेगा, और अगर आप कहेंगे हाँ है तो फिर वो आपसे उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे कहाँ पर जॉब करो कितनी सर। तो ये है, और फिर अगर कोई बड़ी रकम अल्लाह ने आपको दी तो फिर ये आपसे पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए, और उसके बाद अगर आप मर मरा गए तो ये पैसे आपको उठ सको नहीं। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बैंकों में। तो इन तीनों प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये है कि फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोलें, और फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोलें जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो इसके अंदर आप अकाउंट खोलें तो आपके पैसे की हिफाजत है। और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नॉर्मली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खोली थी और इसमें दो आदमी काम करते थे, आज 2,500 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतनी स्पीड से ग्रो होता है, और न्यूयॉर्क में रह के इस ब्रांच ने सारी दुनिया का पैसा घुमाया है, सारी दुनिया। और इसी तरह ईरान में इन्होंने एक ब्रांच खोली थी और सारे ईरान का पैसा घुमा दिया सारी दुनिया के अंदर। तो ये है इस बैंक की स्ट्रेंथ कि ये जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे एक ब्रांच खोलते हैं और फिर उस ब्रांच से सारा का सारी कंट्री का पैसा जो है इन एंड आउट करते हैं, यानी कि जो मुल्क में आता है वो भी इन्हीं के थ्रू आता है और जो मुल्क से बाहर जाता है वो भी इन्हीं के थ्रू जाता है। तो अमेरिकन ने कहा कि भाई स्टैंडर्ड चार्टर बैंक को कि देखें आपने ईरान में जो है ईरान का पैसा सारा घुमा दिया लेफ्ट राइट, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो आप ऐसा करें $1 मिलियन जो है ना फाइन आप दे दें। तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के सीईओ ने कहा कि हमने 100 बिलियन बनाए तो $1 बिलियन देने को मसला नहीं, इनको दे दें ट्रांसफर। तो ये इस तरीके से कमाते हैं और इस तरीके से ये खर्चते हैं। तो यही केस पाकिस्तान के अभी बैंक पे हुआ था कि वो अमेरिकन ने कहा कि हम न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का भी बैंक है जो ऑपरेट करता है, तो अमेरिकन ने उनको भी इसी तरह से पकड़ा कि भाई आपने भी मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो आप ऐसा करें $600 मिलियन जमा करा दें फाइन। तो पाकिस्तानी बैंक कहने लगे कि भाई ये अभी बैंक में जो लोग काम कर रहे थे इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना इतना बड़ा जुर्माना नहीं दे सकते, तो हम ये करते हैं कि अपनी बैंक की ब्रांच जो है न्यूयॉर्क में वो बंद करके और अपने अमले को वापस बुला देते हैं। अब स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने क्यों जुर्माना दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम बैंक अपना बंद ही करेंगे तब भी हमें ये जुर्माना देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने जुर्माना दे के अपना बिजनेस जारी रखा। अब पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है, तो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं था कि $600 मिलियन अगर जुर्माना नहीं दोगे और बैंक बंद करके जाओगे तो फिर भी $600 मिलियन तो जुर्माना देना ही पड़ेगा, जो जुर्माना हो गया सो देना पड़ेगा। तो फिर अमेरिकन ने इनको कहा अभी बैंक को कि भाई आप अपना बैंक बंद करके यहाँ से जाना चाह रहे हैं जाएं, लेकिन ये जुर्माना भी देना है और जो पब्लिक का पैसा है उसको भी सेटल करना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है हमारी पब्लिक का पैसा जो है वो खा जाएं या आप ये जुर्माना खा जाएं, तो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो फिर जब हम जब पाकिस्तानी बैंक को पता चल गया कि भाई ये तो जुर्माना देना है, तो इन्होंने ये जुर्माना दिया। तो इस तरीके से फिर ये जब जुर्माना दे दिया तो फिर बैंक बंद करके वापस लाने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उससे वो हर साल प्रॉफिट कमाते। अब हबीब बैंक जो है बहुत प्रॉफिट बनाता है, तो हबीब बैंक ने इतना प्रॉफिट बनाया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक जो है पाकिस्तान का हबीब बैंक है, और उसका जो स्टॉक है उसके ऊपर वो जो डिविडेंड देता है वो 30-40% तक जाता है। तो जब इन्होंने $600 मिलियन जुर्माना दिया तो इन्होंने वो जो डिविडेंड था स्टॉक भी नीचे गया, तो उससे डिविडेंड भी इनका 10% पे आ गया 40% से, और इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी कम करके रखा ताकि ये जो जुर्माना हुआ इससे कुछ थोड़ा बहुत कंपनसेशन हो।
तो ये है इसका मसला। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो पाकिस्तान की पुलिस से बचें, पाकिस्तान की पुलिस से बचने का तरीका ये है कि चोरी चकारी में इन्वॉल्व नहीं हो। आप चोरी नहीं करेंगे तो आपको पकड़ नहीं सकते, जब पकड़ नहीं सकते तो फिर आपसे रिश्वत लेके आपको छोड़ेंगे, और अगर आपने चोरी चकारी करी तो आप रिश्वत दे के पुलिस को और ये आपको छोड़ दें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट खोलें, जाएंगे तो फिर ये आपसे पूछेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, आपके पास जॉब है कि नहीं है, आप मर गए तो इसका कोई रिकवरी जो है वो भी बैंक दे तो दे, ना दे तो ना दे, ये भी इसका मसला है। और तो ये चारों बीमारियां पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी चोरी करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस उनको पकड़ती है और रिश्वत लेके छोड़ देती है, और ये जब पाकिस्तानी रिटायर होते हैं तो ये अपने पैसे मरकज़ अकाउंट में छपने ले जा कर रखते हैं और उस पर प्रॉफिट यानी कि सूद खाते हैं। और इस मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं जो भीख मांग के खाते हैं। तो अब ये चार प्रॉब्लम है। अब देख लेंगे, अल्लाह ने मना किया है चोरी करने से भी, चोरी करो हाथ काट दे, हाथ काट दो उसके, रिश्वत लेने से भी मना किया कि जो रिश्वत लेगा रिश्वत देगा वो भी जहन्नम में जाएगा, और सूद लेने से भी मना किया है कि अगर कोई शख्स सूद ले कर खा रहा है तो जितना उसने खा लिया वो छोड़ दे और तौबा कर ले तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा मरने से पहले, और भीख मांगने की तो इजाज़त इस्लाम ने दी नहीं। तो चारों चीज़ें जो हैं ये हो गई, यानी कि चोरी भी नहीं कर सकते, भीख भी नहीं मांग सकते, सूद भी नहीं खा सकते और रिश्वत भी नहीं खा सकते। अब अल्लाह ने जो चॉइस दिया है वो सबसे अच्छा चॉइस दिया है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे वो बिजनेस करते थे, तो बिजनेस की बरकतें ऐसी लगती हैं कि बिजनेस जिसका ग्रो करता है वो तो फिर आसमानों पर जाता है। तो बिजनेस करें, और बाद लोगों का बिजनेस नहीं चलता फिर भी उनका कुछ ना कुछ गुजारा होता रहता है। इसके अलावा जॉब करें, जॉब से भी आपको अर्निंग होगी। तो दो रास्ते अल्लाह ने आपको दिए हैं, एक जॉब करने का और बिजनेस करने का, तो इस पे ज़्यादा फोकस करें, और अगर बिजनेस कर सकते हैं तो बिजनेस का तो मज़ा ही अलग है। अब मैं बता दूं कि बिजनेस में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं कि हम जंगल में एक बंदे ने 2 भैंसें पाली 50 साल पहले, आज उसके पास 500 भैंसें, और चारा वारा जो है जंगल में दरख्त होते होते सब फ्री है, तो कॉस्ट कुछ भी नहीं। और उसने 100 भैंसें जो थी वो गरीबों में बांट दी, तो फिर वो 400 रह गई, फिर 400 बढ़ के 600 हो गए। तो अल्लाह ने बरकतें भी रखी हैं इसके अंदर कि अगर आप अल्लाह की राह में गरीबों को देंगे तो फिर अल्लाह आपके जो माल है उसमें बरकतें भी देगा। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि 500 भैंसें हैं उसमें से 100 गरीबों में बांट दी तो 400 रह गई, तो 400 जो थी वो फिर 600 हो गई, यानी कि उन 400 भैंसों ने 200 बच्चे और दे दिए, तो वो पल बढ़ के जंगल में और वो 600 पहुँच गई। तो ये अल्लाह की बरकत है। अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है, तो एक आदमी था उसके, एक आदमी था जंगल में जिसके पास 20 भैंसें थी, तो वो सीना चौड़ा करके घूमता था कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास 20 भैंसें हैं। तो बारिश हुई, भैंसें नदी में नहा रही थी, ऊपर से बिजली का तार गिरा और इलेक्ट्रिक्यूशन से इसकी 20 भैंसें जो थी दुनिया से चली गई। तो वो रोता रहा कि भाई अल्लाह ने इतना मेरे पास आजाब डाला, तो ये है कि अगर एक दो भैंसें मेरी बच जाती तो उससे मेरा घर तो चलता रहता। तो अल्लाह का अजाब जब आता है तो ऐसा आता है कि फिर आप भूल जाएं कि वो आप सारी मस्ती आपकी मिट्टी मिल जाती है। तो गुरूर और तकब्बुर से बचें, और जब अल्लाह आपको ज़्यादा दे तो उसमें से गरीबों का हिस्सा निकालें, तो उससे आपका माल जो है और बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
और अल्लाह ने बिजनेस करने का तरीका बताया है कुरान में। अब ये कुरान अल्लाह की किताब है, जो कुरान में कहा गया बेसिकली वो अल्लाह ने कहा है। जो भी कुरान के अंदर है वो क्या है, ये अल्लाह की किताब है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे, तो अल्लाह ने ये सारी चीज़ें इंसान को बताई कि जब पैमाना भरो तो पूरा भरो। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा कि जब पैमाना भरो तो पूरा भरो, जब उसको तराजू में कोई चीज़ तोलो तो पूरी तोलो और उसको बैलेंस रखो, तो कम तोलने से मना किया। तो बिजनेस करो तो हमेशा पूरा, दूध तोलो तो पूरा तोलो, अगर सब्जी तोलो तो पूरी तोलो, गोश्त तोलो तो पूरा तोलो। तो इस तरीके से अब यहाँ तक के नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम जब कोई माल गीला होता तो उसको तोल के आगे भेजते, तो वो उनसे रास्ते में ये खुश हो जाता, तो फिर वहाँ पे वो दोबारा तोलते, तो जितना वज़न कम होता तो उसके हिसाब से नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम उनसे पैसे लेते। ये नहीं कि गीला माल ज़्यादा करके भेज दिया और उनको ज़्यादा और यहाँ से ज़्यादा वज़न कर दिया और वहाँ पे उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए और वो रास्ते में खुश हो गया, तो अब उनको तो कम मिला वेट में, तो उससे भी बचने के लिए उन्होंने इसलिए कहा। तो ये है तरीक़ेकार बिजनेस का। तो बिजनेस करने के नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने बिजनेस किया, तो तमाम मुसलमानों को यही मैसेज है कि भाई बिजनेस करो, क्या सब्ज़ी बेचो, गोश्त बेचो, मुर्गियां बेचो, रोटियां तंदूर में बेचो, कोई फल बेचो, फ्रूट बेचो, तो कोई भी चीज़ बेचोगे तो उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा। और पुलिस से बचो, क्योंकि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस रिश्वत लिए बगैर आपको छोड़ेगी। और बैंकों में, पाकिस्तानी बैंकों पर भरोसा नहीं करो। इंडिया का अगर आपसे, इंडिया से आपका ताल्लुक है तो इंडियन बैंक पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि ये बैंक जो है ना, ये आपके पैसे जब एक तो आपसे इंक्वायरी करते रहते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आए आपके पास, और आपको जॉब है कि नहीं है, और आप मर मरा गए तो आपके वर्षा को ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं देते। लेकिन आप फॉरेन बैंक से, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है इंडिया में भी है और सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है ना कि उनको, इंडिया वालों को पता है कि हमारे साथ जो हमारे बैंक हैं वो, उनका जो हिसाब किताब है वो सही नहीं है। और इंडिया में 1 लाख की पुलिस पे 150 पुलिस वाले लगे हुए हैं और 21 लाख की पुलिस फोर्स है, और पाकिस्तान की पुलिस फोर्स जो 10 लाख है और 1 लाख पे 200 पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। तो अगर पुलिस फोर्स से और बैंक के निज़ाम से आपको कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9231320544 13। इसके अलावा मेरा ये जोंग का नंबर भी है 0313205443। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करें 0313205443। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9231320544 13। इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस है gulam@expo12@gmail.com। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाएं और करें, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको आपको जवाब देता हूँ। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन वीडियो, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की पुलिस और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के बैंक। तो ये थी अमेरिकन रिसर्च। तो अमेरिकन रिसर्च जो है उसको आप कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बड़ी डिटेल रिसर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख लें कि 10 लाख की पुलिस में से 1 पुलिस वाले की ये फोटो छापते हैं कि ये पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। तो भाई 10 लाख अगर रिश्वत नहीं लेंगे जब जाके मुल्क का निज़ाम सही होगा। आप एक पुलिस वाला ला के दाढ़ी वाला लंबा दिखा देते हैं कि ये वाला नहीं लेता रिश्वत, बाकी सब लेते हैं।
तो 10 लाख की पुलिस में आपके पास एक पुलिस वाला है जो रिश्वत नहीं लेता, तो ये बड़े शर्म का मुकाम है। तो ये कोई प्राउड होने की कोई बात नहीं है कि आप 10 लाख की पुलिस आपकी और इसमें से एक पुलिस वाला आप लेके आ रहे हैं कि ये रिश्वत नहीं लेता, और 20 लाख 21 लाख की पुलिस है इंडिया की और वो एक पुलिस वाला लेके आ जाते हैं कि ये रिश्वत नहीं लेता। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, इससे एक से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अगर इंडिया की पुलिस 21 लाख है तो 21 लाख के 21 लाख जो हैं वो रिश्वत ना लें, तब होगा निज़ाम सही। अब आप एक पुलिस वाले की तस्वीर छाप देते हैं कि ये पुलिस वाला जो 21 लाख की पुलिस है इंडिया की, उसमें से ये एक पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता, तो उससे तो पुलिस का मसला नहीं होगा। और यही बैंकों का भी है कि भाई आप जो हैं बैंक में अकाउंट नहीं खोलने दे रहे, ये कह रहे हैं कि आपके पास जॉब नहीं है तो आपका अकाउंट नहीं खोल सकता, और आपके पास अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो आप पैसे लेके जाएंगे बैंक में जमा कराने, तो वो बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से है। तो ये भी गलत निज़ाम है इससे भी। और तीसरा ये कि कल गलां को आप मर गए तो फिर बैंक जो है आपके वर्षा को आपके पैसे भी नहीं दे रहा, तो ये भी किसका निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें सीधी होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के हालात बेहतर करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।